सबसे पहले मेरे तरफ से आप सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ। बाद सलाम डायरेक्ट हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा आज है, थर्ड लेक्चर है हमारा, और चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर है मैट्रिक्स, जो कि क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम इस बारे में बात कर रहे थे, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है। हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया, कि मैट्रिक्स में हमारे पास रो होता है, कॉलम होता है, मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, और फिर आखिर में हमने कहा कि मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में क्या किया, दूसरे लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स बताया। क्या बताया? काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। तो काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारे मैट्रिक्स थे, जिनके मैंने अभी डिफिनेशन इंशाल्लाह मैं अभी अपलोड करूंगा। वो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, और सारे डिफिनेशन को जो है मैंने डिफाइन किया हुआ है अपने हैंडराइटिंग से। वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल चुके होंगे या मिल जाएंगे, लेक्चर में होंगे। अभी हम लोग जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 1.2, पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है कि आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने भी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग भी बुक में देख रहे होंगे। कहते हैं कि आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, और कौन सा मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया है हमें, तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर, कॉलम, रो मैट्रिक्स, इन चार काइंड्स के मैट्रिक्स हमने इनसे निकालने हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो समझो 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इसीलिए क्वेश्चन पे ज्यादा गौर किया करें। अभी मैं आप लोगों को यहां पे बताऊं, ये हमारे पास, जरा आप लोग इस मैट्रिक्स ए को देखो। मैट्रिक्स ए में आपके पास कितने एलिमेंट है? रो बेशक दो है, लेकिन कॉलम कितना है? एक है। हमने पढ़ा था कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट वन, सेकेंड वन हो गया रो मैट्रिक्स, और ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ये, और ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी है, और ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी है। आप लोग खुद देखो, इसका रो वन कॉलम वन, और इसका एक ही रो है और एक ही कॉलम है। एक कॉलम का मैट्रिक्स है, एक रो का मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर भी सेम है दोनों का। एम एन आपस में इक्वल है, यानी कि एम इज इक्वल टू एन है। तो इट मींस दैट कि ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। और D is equal to, जो मैट्रिक्स गिवन है ये D is equal to, इसमें आप देखो टू रोज है, टू कॉलम्स है, तो ये आपके पास बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह E is equal to 2, 3, -1, 1, 5, 4। ये जरा देखो, अब मुझे बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्योंकि क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि हमने डायगोनल मैट्रिक्स के डिफिनेशन में पढ़ा था, और वो नोट्स में आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा। आप लोग जरा देखो कि यहां पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब नंबर ऑफ रोज एम इज इक्वल टू कितना है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स एन इज इक्वल टू कितना है? 3। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितना है? 2। तो ये एम रोज है, एन कॉलम्स है, तो आप जरा देखो एम एन की इक्वल है कि नहीं है? नहीं है इक्वल, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी तरह हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है देखो, और ये हमारे पास कितना क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रो की तादाद भी 3 है और कॉलम की तादाद भी 3 है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2, 2 है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग जरा उन पे डिफिनेशंस पे गौर करो, उनके एग्जांपल्स पे गौर करो, इंशाल्लाह एक्सरसाइज आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? वही काइंड ऑफ मैट्रिक्स का एक्सरसाइज है ये। ये देखो, काइंड ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? रो मैट्रिक्स पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था। इसी तरह हमने जो है डायगोनल पढ़ा था, स्केलर पढ़ा था, आइडेंटिटी भी पढ़ा था, ये तीन भी तो पढ़े थे। अब इन तीन का आप लोगों के पास मैट्रिक्स गिवन होंगे, बहुत सारे मैट्रिसेस गिवन होंगे। अभी आप लोग खुद बुक में जरा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग फिर उधर अपने बुक में देखो, आपके पास पहला सवाल जो है इस तरह गिवन है, ए इज इक्वल टू 3, 0, 0, 1।
अच्छा ये कहता है कि मुझे बताओ कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अभी देखो डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, 3-1 डायगोनल एलिमेंट्स, 3 and 1 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो है, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। मींस दैट एटलीस्ट मैंने क्या पढ़ाया था, एक दफा फिर मैं डेफिनेशन आप लोगों को दोहराता हूं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, at least one diagonal entry is non-zero in a matrix and other entries are zero, then that matrix is called rectangular matrix. तो ये rectangular matrix है। इसी तरह दूसरा आपके पास b is equal to, ये देखो 7 0 0 7, ये आपके पास कौन सा matrix बनेगा? अब चूंकि ये diagonal भी है और ये स्केलर भी है, क्योंकि स्केलर में हमने क्या पढ़ा था कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपस में सेम होने चाहिए, तो 7 7 है। इसी तरह थर्ड वन जो है आप खुद देखो, आपके पास इस तरह है कि c इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 5। जरा आप लोग गौर करो ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। खुदा ना खास्ता यहां पे 5 होता, यहां पे 5 होता, 5 5 5, तो फिर स्केलर बनता। अगर इसमें से ये 5 मैंने हटाया, 1 लगाया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 के इक्वल हो, और मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो? डायगोनल मैट्रिक्स हो, और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको मैंने आपको बताया था कि उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? आई से। नेक्स्ट एक डी बी गिवन है, ई बी गिवन है, एफ जी चार और कोई पार्ट्स गिवन है, वो आप लोग खुद भी चेक करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर सकते हो, नहीं कर सकते थे तो भी मैं आप लोगों को नोट्स अपलोड करवा दूंगा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भी पढ़ा था, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के मुतालिक एक्सरसाइज के कुछ सवाल है, वो जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। अभी आप लोग देखो मैं सबसे मुश्किल सवाल, जो दो मुश्किल से मुश्किल सवाल है, वो मैं करवाऊंगा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स है, उसमें से मैं आप लोगों को दो का फाइंड आउट करके दे दूंगा। बी इज इक्वल टू हमारे पास है 2 3 -1 0 and 2 5, ये b इज इक्वल टू, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब वो कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने जो है यहां पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो हम बड़ी आसानी से इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अभी आप लोग जरा देखो कैसे लेते हैं हम लोग ट्रांसपोज। आप लोग ये कहोगे कि टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन को आपने एक्सप्रेस करना है किसी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां पे भी हो, तो ये वर्डिंग बहुत काउंट होते हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, ये जरा अपना आदत बनाओ। मैं ये कहूंगा कि टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ बी we will take transpose on both sides। ये वैसे मैं आप लोगों को इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि ये काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग दोनों तरफ, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू मेरे पास क्या बना, 2 -1 2 3 0 5, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिया। अब मेरे ट्रांसपोज का आप लोगों को क्या बताया था कि रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे, तो ये 2 3 जो रो था ये 2 3 कॉलम बन जाएगा, -1 0 जो रो था वो -1 0 कॉलम बन जाएगा, ये 2 5 जो रो था वो 2 5 भी जाके कॉलम बन जाएगा। अब आप लोग जरा देखो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, तो आप कहोगे कि b ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, और ये है आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर। सो सिंपल, ये वैसे पहले पहले सवाल आते हैं, आप लोग जो है इसको सीखोगे, ये बेसिक है, तो आगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होएगा। और जब एक दफा ये मैट्रिक्स आपने पढ़ा, ये फिर हर जगह यही मैट्रिक्स है, इसी तरह इसके रोल्स है, सब कुछ इसी तरह है। तो ये आगे बहुत यूजफुल टॉपिक है, ये मैट्रिक्स जो है ये बड़ा यूजफुल, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी तो हम लोगों ने काइंड पढ़ा था, तो इसलिए हम लोग जो है उसके एक्सरसाइज के मुतालिक जो क्वेश्चंस गिवन है वो हम लोग करेंगे। क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स ये गिवन है, ए इज इक्वल टू 1773। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में बी इज इक्वल टू आपके पास है 315 124 546। और इसी तरह थर्ड मैट्रिक्स आपके पास सी गिवन है 0GF-G 0H। यहां पे -F -H 0। बताओ कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सवाल को आप लोगों ने भी समझना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो है क्या इन्वॉल्व है, ट्रांसपोज इन्वॉल्व। आपने पहले यह समझना है कि मैंने ये सवाल हल करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, उसमें ट्रांसपोज यूज होता था। कैसे यूज होता था, उन्होंने बोला था कि अगर ए ट्रांसपोज ए की इक्वल आ जाए तो आप कहोगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल आ गया तो आप कहोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब बड़ी आसान सी बात है, हर क्वेश्चन का ट्रांसपोज ले लो। इस क्वेश्चन का मैं जब ट्रांसपोज लूंगा तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बनेगा, रोज को काले में चेंज करो 1 7 और यहां पे 7 3। आप लोग जरा गौर से देखो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वापस मैट्रिक्स ए आ गया, वापस मैट्रिक्स ए आ गया। अब यहां पे जब वापस मैट्रिक्स ए आ गया तो इसका ये मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप कहोगे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप जरा खुद चेंज करो इसको, रोज है कॉलम की फॉर्म में लिखो, ये भी सिमेट्रिक है। अच्छा सी, सी का मैं जब ट्रांसपोज लूंगा उसी तरह आप बेशक ऐसे सवाल आया हो तो आप ये वर्ड्स लिखो, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, फिर थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप भी करो और थ्योरी भी डाल के, तो बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन जाता है जिधर भी आप कंपिटेटिव एग्जाम में जाओगे, और ये आप लोगों का फिर आदत बन जाएगा। इसी तरह आप लोग कुछ लिखने के काबिल भी होंगे। तो अब हम लोग लेते हैं पॉइंट की तरफ आते हैं, सी का जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0GF ये वाला -G 0H -F -H 0। आप लोग जरा देखो, थोड़ा बहुत इसमें यानी मुशाबियत है, मुशाबियत है। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं, समझो कि मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस सी ट्रांसपोज माइनस यहां पे 0 -G -F, यहां पे G 0 -H, यहां पे F H 0। दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वेशन में एक साइड पे जो प्रोसेस करोगे दूसरे साइड पे वही प्रोसेस लाजमी करना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये करवा रहा हूँ, और शायद ऐसे सवाल पेपर में कभी कभार आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा माइनस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ, मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, इसके साथ भी होएगा, इसके साथ भी होएगा। यानी जितने एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है उन तमाम के तमाम एंट्रीज के साथ ये नेगेटिव साइन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा कि हमारे पास जो सी माइनस सी का जो ट्रांसपोज है, माइनस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है माइनस जीरो वही जीरो के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस जी, माइनस माइनस प्लस एफ, इसी तरह आपके पास माइनस जी, इसी तरह आपके पास माइनस जीरो, इसी तरह ये हो जाएगा एच, और इसी तरह आपके पास ये हो जाएगा माइनस एफ माइनस एच, और इसी तरह ये जीरो। अभी आप लोग जरा गौर से देखो, अभी आप लोग जरा गौर से देखो, आप लोग ये मैट्रिक्स वापस वही मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बना, माइनस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू वापस यही मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बना। तो मैं इसकी जगह पर ये मैट्रिक्स सी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, जरूर लिख सकता हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। माइनस सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, सी। अब माइनस यहां पर है तो फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। आप जरा देखो कि सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल आया कि नहीं आया। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स हमारे पास बना स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे एक्सरसाइज 1.2 का खात्मा होता है। तो एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों का हो गया। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज के सवाल एक दफा फिर से दो तीन दफा इसका जो है प्रैक्टिस करो, और जो डिफिनेशन वगैरह है वो मैं इंशाल्लाह वो भेज दूंगा। और आगे इंशाल्लाह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो हमारे पास है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन वगैरह का। तो इसके लिए वो आप लोगों को बेस होना चाहिए। ये दो एक्सरसाइज आप लोग खुद एक दफा सॉल्व करो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मोबाइल फोन उठा के अपने कान में हेडफोन डाल के अपने पास बुक ऐसे अपने सामने पकड़ के इधर अपना एक रजिस्टर अपने पास रखो और यहाँ पे लेक्चर सुनते जाओ। कोई पॉइंट है बेशक लिखो, अदरवाइज मैं वो पॉइंट लिखने का मौका ही नहीं दूंगा। एक्सरसाइज का जो सवाल है यहाँ पे सॉल्व हुआ है, आप लोग यहाँ पे जरा गौर से देखो, उधर बुक में सवाल देखो। बुक आपके पास लाजमी होना चाहिए, विदाउट बुक आपने लेक्चर नहीं सुनना है और नहीं एक्सरसाइज को देखना है। वैसे जनरली अगर किसी ने मैट्रिसेस सीखने हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जाम के लिए आपने तैयारी ऐसी ही करनी है। और हमारे साथ साथ चलिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा के अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।